हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉनकेव मिरर, द डिस्टेंस बिटवीन इट्स इमेज एंड द होल इज। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि एक ऑब्जेक्ट है प्लेस कर रखी है एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉनकेव मिरर, तो डिस्टेंस बिटवीन इट्स इमेज एंड द होल इज। तो इस क्वेश्चन के लिए हम यूज करेंगे की कॉन्सेप्ट, दैट इज मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला विच इज इक्वल टू द वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू इज इक्वल टू वन अपॉन एफ। नाउ क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि ऑब्जेक्ट प्लेस कर रखी एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉनकेव मिरर। ओके, सो हमारे पास है कॉनकेव मिरर एंड ऑब्जेक्ट प्लेस कर रखी है ऑब्जेक्ट एट 2f, सेंटर ऑफ कर्वेचर दैट इज 2f, c इज इक्वल टू 2f, और कॉनकेव मिरर है, और कॉनकेव मिरर के केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम लेते हैं नेगेटिव में, माइनस 2f हो जाएगा, और फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, f को लेते हैं हमें माइनस f, क्योंकि जो रे की डायरेक्शन है और जो हम मेजरमेंट करते हैं डिस्टेंस फ्रॉम द पोल इज अपोजिट डायरेक्शन, तो हम लेते हैं नेगेटिव साइंस। ओके, और कॉनकेव मिरर कॉनकेव मिरर। नाउ अप्लाई मिरर फॉर्मूला एंड टेकिंग द वैल्यूज, सो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू इज इक्वल टू वन अपॉन एफ। ओके, तो यहाँ से वन अपॉन वी प्लस यू की वैल्यू हमारे पास माइनस टू एफ, वन अपॉन माइनस टू एफ इज इक्वल टू वन अपॉन फोकल लेंथ हो जाएगी माइनस एफ ए। ओके, तो यहाँ से वन अपॉन वी इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन एफ ए, और ये माइनस था तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस वन अपॉन टू एफ ए। एलसीएम लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा टू एफ ए और माइनस टू प्लस वन विच इज गिवन इक्वल टू माइनस वन अपॉन टू एफ। सो वैल्यू ऑफ वी इज इक्वल टू माइनस टू एफ। ओके, तो नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि हमारी जो इमेज है वी ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर, एंड वी हो गया हमारे पास टू एफ है, तो जो डिस्टेंस बिटवीन इट्स इमेज एंड द पोल इज इक्वल टू टू एफ, सो आवर ऑप्शन सी इज करेक्ट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक।